आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर हो रही है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। वो फ्लावर जो किसी के जन्म पे, किसी के मृत्यु पे, कोई खुशखबरी आए, कुछ अच्छे समारोह हो, वहाँ हम यूज करते हैं। तो आखिर ये फ्लावर्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इन फ्लावर्स का टारगेट क्या है, क्या ये हमारे लिए है या प्लांट्स अपने लिए प्रोड्यूस करता है, इन सब बातों को आज हम देखेंगे हमारे लेक्चर में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो किसी भी समय आप चाहें तो एक लाइक दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने मेहनत से बनाए हुए अमेजिंग कंटेंट्स समय पे लाते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो आज हम बात करेंगे दैट इज फ्लावर, फ्लावर के बारे में ही बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्लावर इज अ वेरी मच फैसिनेटिंग ऑर्गन। मैंने क्या बोला, फ्लावर इज अ वेरी मच फैसिनेटिंग ऑर्गन, बहुत बढ़िया ऑर्गन है। किसका है, प्लांट्स का। काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करना, परफॉर्म करना। मतलब क्या फ्लावर्स के पास उस रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरत के पार्ट्स हैं क्या मौजूद हैं, क्या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या इन गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं, इन सभी बातों को आज हम देखेंगे। ओके, फ्लावर एंजियोस्पर्म के फ्लावर या एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि उनमें फ्लावर खिलते हैं। अब फ्लावर को हम देखें तो कुछ इस प्रकार का हमें फ्लावर देखने को मिल सकता है। और कितना बढ़िया सा फ्लावर है, बहुत बढ़िया फ्लावर है। अब हमें क्या ध्यान देना है कि इनके वो पार्ट्स जो हमारे काम के हैं हमें पढ़ने हैं, यानी ये फ्लावर का सेपल है। क्या है, सेपल है। ये जनरली फ्लावर्स में ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, और ये येलो कलर्ड जो है ये पेटल है, दिस इज पेटल, और ये जनरली कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये जो आपकी ये है, ये क्या है, ये स्टैमेन है। क्या है, स्टैमेन, स्टैमेन। और ये जो है आपका दैट इज, ये है आपका पिस्टिल, ये पिस्टिल है। यानी हमारे पास
सेपल पेटल स्टामेन एंड पिस्टिल, इसी का दूसरा नाम है कार्पेल। ओके, कार्पेल ऑब्लिक पिस्टिल। अब किसका क्या काम है, यहां पे ये सॉलिड पार्ट थोड़ा सा हो जाएगा आपका पेडिसल। ओके, ये पेडिसल है और ये आपका सॉलिड पार्ट थैलेमस हो जाएगा। ओके, थैलेमस और ये डंठल टाइप की जो पार्ट है दैट इज पेडिसल। चलिए, अब हमारे पास सेपल है, पेटल है, स्टामेन है और पिस्टिल है। हम गौर करें तो हमारे पास जो सेपल है ना, सेपल और पेटल, ये एसेसरी पार्ट है। क्या है? एसेसरी पार्ट मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब ये गैमेट नहीं प्रोड्यूस करते, अरे नहीं प्रोड्यूस करते। तो इनका काम क्या है? इनका काम है, खासकर मैं सेपल की बात करूं तो सेपल क्या करता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, कली के स्टेज में होता है ना, तो उस स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम। तो आपके पास ये जो सेपल है ना, सेपल क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन किसका? प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज। बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। ओके, पेटल क्या है? पेटल भी रिप्रोडक्शन में हेल्प तो करती है बट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। फिर ये करती क्या है? पेटल जनरली क्या होती है? कलरफुल होती है, सुंदर, बहुत अति सुंदर रंग होते हैं। तो ये जो भंवरे होते हैं, जो मक्खियां होती है, मधुमक्खियां होती हैं, कुछ कीट पतंग होते हैं, कीट कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स कहें कहें तो इंसेक्ट्स, उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है। क्यों? ताकि इंसेक्ट्स आए, अपने साथ कुछ पॉलन ग्रेन्स को लाए और यहां फर्टिलाइजेशन कर पाए, सीड बन पाए, फ्रूट बन पाए, रिप्रोडक्शन हो पाए। यानी इन पेटल्स का काम ही है अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। इनका काम है पेटल्स का। मतलब सेपल और पेटल कैसे ऑर्गन है, कैसे पार्ट है? एसेसरी पार्ट है। मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं बट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिप्रोडक्शन के। तो क्या काम करते हैं? हेल्प, बर्ड को बचा के रखते ताकि फ्लावर बन पाए, रिप्रोडक्शन हो पाए। और रिप्रोडक्शन हो पाए इसके लिए जरूरी है कि पॉलिनेटर्स पॉलन ग्रेन्स को लेके आ पाए, तो पेटल वो काम कर देता है। अब हमारे पास बचा कार्पेल, जो पिस्टिल जिसका नाम है, और एक स्टैमेन। तो कार्पेल और पिस्टिल ये क्या काम करते हैं? ये है वो जो एसेसरी पार्ट, ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट इनका काम ही है रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है स्टैमेन। स्टैमेन को हम कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, स्टेमेन को अच्छे से हम देखें तो कुछ इस प्रकार का स्टेमेन हमें देखने को मिलता है। ओके, ये जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एंथर, इसे हम कहेंगे एंथर। ओके, और ये जो लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे फिलामेंट।
वो हो गया एंथर और ये फिलामेंट। इसमें कितने लोब हैं? इसमें एक लोब ये हो गया और एक लोब इसके पीछे की तरफ है, तो दो लोब हो गया। तो एंथर को हम कह सकते हैं क्या है, बाइलोब्ड है। क्या है? बाइलोब्ड है। एंथर को हम काटे यदि बीच से एंथर को काट डालते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार का एंथर हमें दिखाई देता है। एक लोग इधर से, ओके। तो इसके अंदर ना दो थीका है, एक थीका ये हो गया और दूसरी थीका ये हो गई। एक थीका हमारे पास ये हो गया, थैला बैग लाइक स्ट्रक्चर ये, ठीक है। एक थीका ये, एक थीका ये, यानी बाइलोब्ड के साथ साथ क्या है, डाई थीकस है। डाई थीकस है, ओके। और गौर करेंगे तो इस डाई थीकस वाले एक थीका के अंदर ना दो क्या है, स्पोरेंजियम है। क्या है? स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दो स्पोरेंजियम है। ऐसे ही दो स्पोरेंजियम इस थीका के अंदर भी होगा। तो गौर करके देखेंगे तो एक एंथर में कितने थीका, दो थीका, और कितने स्पोरेंजियम, चार स्पोरेंजियम। तो हम कह देंगे यहां पे कि टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं, यानी एंथर हमारा बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। बाहर से आप देखेंगे तो इस बार क्रॉस सेक्शन करके हमने देखा ना वहां पे, तो बाहर से देखेंगे तो दो लोब दिखाई देगा, तो बाहर से हमें बाइलोब्ड दिखेगा एंथर। कट करके देखेंगे तो अंदर से क्या दिखाई देगा, दो थीका दिखाई देगा, तो डाइथिकस दिखाई देगा, और उस एक थीका में दो स्पोरेंजियम है, तो दोनों थीका में चार हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को हमें मिलता है फिलामेंट। ये फिलामेंट इस एंथर को कनेक्ट करता है फ्लावर के बाकी पार्ट के साथ, फ्लावर में। तो यहां पे जो पार्ट है ना, इस पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं, इसी से ये जुड़ा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्लावर में। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कार्पेल। कार्पेल और इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल, ओके। कार्पेल यानी पिस्टिल। अब इसको हम देखें अच्छे से तो ये हो गया हमारे पास पिस्टिल। इसका ऊपर का जो पार्ट है ना, इसका जो ऊपर की पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ये एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन। पॉलन यहां गिरते हैं, लैंड करते हैं, तभी अंदर पॉलन ट्यूब बना करके फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। तो ये रिसेप्टेकल की तरह वर्क करता है। किसके तरह? रिसेप्टेकल की तरह। तो स्टिग्मा को हम कह देंगे रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल फॉर पॉलन्स, या फिर इसी को हम कह सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेंस। क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेंस, क्योंकि पॉलेन आएंगे सेक्स के साथ, हवा से, यानी एनिमोफिली वाटर से, हाइड्रोफिली, तो जो भी फीली होगा, जो भी पॉलिनेशन होगा, तो वो यहीं आएंगे, ओके। और ये जो पार्ट है आपका, ये इतना दूर जो है, ये है आपका स्टाइल,
इसमें हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो सॉलिड पार्ट है ना इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ह्यूमन में ओवरी, लेकिन प्लांट में क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टाइल या फिर सॉरी कार्पेल या फिर पिस्टल। ओके उसका एक छोटा सा पार्ट है ओवरी, एक यूनिट है। ओके तो ओवरी के अंदर भी देखे ना तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा छोटे छोटे क्या मिलेंगे ऑव्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे ऑव्यूल्स मिलेंगे। एक ऑव्यूल हो सकता है, एक से कई ज्यादा ऑव्यूल हो सकते हैं। यहाँ पे हम पांच छह ऑव्यूल दिखा दे रहे हैं। ओके ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस कैसे होते हैं वो अलग है, वो अलग केस है, वो हम आगे जब चैप्टर बढ़ेगी तो अगले लेक्चर्स में हम आने वाले लेक्चर्स में उसको हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑव्यूल्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जैसे सेपल्स, फ्लावर में एक सेपल तो नहीं होगा ना, तो सेपल्स के ग्रुप को वर्ल को सेपल के वर्ल को क्या कहेंगे कैलिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे कैलिक्स। पेटल्स है तो पेटल्स के ग्रुप को पेटल्स के वर्ल को क्या कहेंगे कोरोला कहेंगे, क्या कहेंगे कोरोला कहेंगे। ओके स्टामेन है तो स्टामेन के स्टैमेंस कहूंगा, एक स्टामेन थोड़ी होता है बहुत सारे होते हैं, स्टामेंस के वर्ल को क्या कहेंगे एंड्रोसियम कहेंगे, क्या कहेंगे एंड्रोसियम कहेंगे। और पिस्टिल या फिर कार्पेल, पिस्टिल या फिर कार्पेल, यदि आपको अच्छी लग रही हो ज्ञानवर्धक चीजें बुद्धिवर्धक चीजें नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव यदि ये लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना, थम्स अप फॉर द लाइक नॉट फॉर द ड्रिंक, थम्स अप। पिस्टिल या फिर जो कार्पेल है इसकी जो वर्ल है इसके वर्ल को कहते हैं गाइनोसियम, क्या कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैलिक्स को सी के जगह हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, कोरोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से और गाइनोसियम को जी से, यानी फ्लावर में कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम केसीएजी, क्या होगा केसीएजी। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हमारे पास जो है हमारे पास है इनसे आगे बढ़ने का एक नया चीज, क्या कुछ रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी बातें जैसे पॉलन ग्रेन्स, जैसे ऑव्यूल्स। ऑव्यूल के अंदर क्या होगा एग होगा, एग सेल होंगे, सिनर्जेट्स होंगे, एंटीपोडल सेल होंगे, यानी अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर की मेगास्पोर की। माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनने का प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके तो हमारे पास क्या है माइक्रो स्पोर। ओके वैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वहां से भी देख सकते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस का डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है तो वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ शॉर्टकट में इसको लेके चलूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो पाए। अब माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर आपका मेल गैमेटोफाइट है, क्या है मेल गैमेटोफाइट। सर नाम तो माइक्रो स्पोर है तो कायदे के अनुसार मेल गैमेट होना चाहिए ना, अरे मेल गैमेट कैसे हो जाएगा, एनसीईआरटी कहती मेल गैमेटोफाइट तो हम अपने से कैसे कर देंगे मेल गैमेट, हमसे पहले एनसीईआरटी आई ना तो हमें तो उसकी बात माननी पड़ेगी। कहने का मतलब दिक्कत यही होता है एग्जाम में कि बहुत बार अच्छे से रिवीजन नहीं होती है
या एक दो बार ही पढ़ के जाते हैं तो हमारे अंदर बैठ जाता है स्पोर मतलब गैमीट, तो माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमीट। ना ना ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर का मतलब मेल गैमिटोफाइट है। तो सर गैमिटोफाइट क्या होता है? मेल तो मेल है, गैमिटोफाइट क्या है? गैमिटोफाइट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फाइट मतलब होता है बियर टू बियर या फिर कैरी टू कैरी, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमीट को क्या करता हो, कैरी करता हो, स्टोर करता हो, चाहे उसकी प्रोडक्शन करे, उसको डेवलप करे, ग्रोथ कराए, उसको कैरी करता हो। ओके, तो मेल गैमिटोफाइट क्या है? कैरीज दी दी मेल गैमीट, मेल गैमीट। अच्छा अच्छा, माइक्रोस्पोर को हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स, क्या कह सकते हैं? पॉलन ग्रेन्स। अरे क्या मास्टर साहब, क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं? अरे उल्टा सीधा नहीं पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा हूं। क्या है ये? मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन्स, सॉरी पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमिटोफाइट है, माइक्रोस्पोर है। यानी मेल गैमिटोफाइट कहो, माइक्रोस्पोर कहो या पॉलन ग्रेन्स कहो, बात बराबर है। अब कैसे पॉलन ग्रेन्स, हमें लगता है ना कि पॉलन ग्रेन्स वहां से अंतर से निकले, स्टिग्मा पे गिरे, रिप्रोडक्शन हो गया, यानी वो मेल गैमिट है? नहीं, वो मेल गैमिट नहीं है। मेल में माइक्रोस्पोर एक तरह से स्पर्म को कहा जाता है, ठीक है? तो स्पर्म गया, रिप्रोडक्शन किया, तो ये स्पर्म को मेल गैमिट कह देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कभी भी एनिमल वाले से प्लांट वाले को कंपेयर ना करें, दिक्कत हो जाएगी। ओके, बहुत डिफरेंस है ना। तो पॉलन ग्रेन्स को हम देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये बाहरी लेयर जो है, ये जो बाहरी लेयर है इसे कहते हैं एग्जाइम, और ये जो अंदर की लेयर है इसे कहते हैं एंडाइम। ओके, और इसके अंदर एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। ओके, और इसके साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में छोटी सी सेल होती है जो जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। अरे मास्टर क्या पढ़ाता है, उल्टा सीधा पढ़ा दिया। अरे उल्टा नहीं पढ़ाया हूं, एकदम सही है। सेल के अंदर सेल है, अजूबा, आठवां अजूबा नहीं, ये सबसे पहला अजूबा, क्योंकि बाकी सातवें अजूबे ना इसके बाद आए हैं। इसको जीरो नंबर पे रख सकते हो, सबसे पहले वाला। कैसे? शुरू में क्या होता है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, तो ये जेनरेटिव सेल है, और ये इंटाइन है, और ये एग्जाइन है। यानी जेनरेटिव सेल शुरू में वेजिटेटिव सेल के बाहर होती है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, ये इसको इनगल्फ कर लेती है। मतलब वेजिटेटिव सेल अपने अंदर जेनरेटिव सेल को समाने लगती है। क्या करती है? समाने लगती है। और कुछ समय बाद क्या होता है, ये आगे बढ़ते, इधर से भी आगे बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समा लिया, और एक कंडीशन आया जब जेनरेटिव सेल कहां है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, जैसे बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब तैर रहे होते हैं ना, फ्लोट कर रहे होते हैं, सेल स्ट्रीम में चल रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जेनरेटिव सेल भी फ्लोट कर रहा होता है। इसका नाम है बेनिफिट। जेनरेटिव सेल के पास साइटोप्लाज्म नाम मात्र का होता है या ना होता है, यही समझो। तो वेजिटेटिव सेल के पास तो बहुत साइटोप्लाज्म है, तो वेजिटेटिव सेल एज अ फूड सप्लायर एक्ट करता है किसके लिए? जेनरेटिव सेल के लिए। यानी जेनरेटिव सेल को फूड प्रोवाइड करता है कौन? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एज अ नर्स सेल वर्क करती है। जैसे मेल में होता है ना सर्टोली सेल, इस पर मेटोबोनिया को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। वैसे ही जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन कौन दे रहा? वेजिटेटिव सेल। तो ये पूरा का पूरा जो पॉलन ग्रेन है ना, ये मेल गैमिटोफाइट है, मतलब मेल गैमिट को कैरी कर रहा है। तो सर जी मेल गैमिट कौन है? अरे ये जेनरेटिव सेल, यही तो है आपका मेल गैमिट। जेनरेटिव सेल ही है मेल गैमिट। ओके, ये शुरू में 2n होता है, बाद में जाकर के n हो जाता है, वो बात हम बताएंगे कैसे, ठीक है? तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर के बारे में हमने देखा, थोड़ा मेगास्पोर देखते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मेगास्पोर देखने के बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट नहीं किया,
अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की होगी, उससे अगली वीडियो मेगा स्पोरोजेनेसिस की होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेगा स्पोर, मेगा स्पोर का ही दूसरा नाम है ऑव्यूल। क्या नाम है? ऑव्यूल। सर मेगा स्पोर होता क्या है? टेक्निकली मेगा स्पोर आपका होता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। सर जी फीमेल तो फीमेल है, तो जेंडर है। गैमेटोफाइट मतलब क्या? ये भी गैमेट को कैरी करती है। हाँ, ये गैमेट को कैरी करती है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो सर आप तो ओव्यूल पढ़ा रहे थे ना? जी हाँ, मैं ओव्यूल ही पढ़ा रहा था। यहां पे ये है आउटर इंट्रोग्यूमेंट, ये है इनर इंट्रोग्यूमेंट, यहां पे भी वैसे ही, यहां पे भी हाइलम और ये फ्यूनिका। तो ये है आपका टोटल क्या? ओव्यूल है और ये है आपका एम्ब्रियो सैक। सर जी इसमें क्या होगा? अरे इसमें कुछ नहीं, इसमें दो तीन चीजें ही होंगी। यहां पे हो गए पोलर न्यूक्लियाई और यहां पे हो गए तीन एंटीपोडल सेल्स। ओके, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास दो क्या है? सिनर्जिड है, सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड्स। एक क्या है? एग सेल है, एग सेल। दो क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। अब ये पोलर कैसे क्यों कहते हैं, कहां से आया, ये सब हम बताएंगे आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस के वीडियो लेक्चर में। ओके, और ये तीन क्या है? ये तीन है आपके एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ओके, अब यहां पे ध्यान देना है कि हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह और ये बहुत बड़ी वाली क्या कहलाएगी? सेंट्रल सेल। क्या कहलाएगी? सेंट्रल सेल। तो तीन तीन छह और एक सात, सेवन सेल्ड। न्यूक्लियस तो गिन ले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एट न्यूक्लिएट, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट कंडीशन। ये प्लांट में ही होता है, सात सेल में आठ न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस कहां है? सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस होती है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और हाँ, जो आपकी जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब बनाते हैं और उससे एक सेल आती है, एक सेल कर रहा हूं, जनरेटिव सेल नीचे आती है, वो इन्हीं फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू आती है। तो इसे हम नाम देंगे फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, तो हमारे पास क्या है? मेगा स्पोर, जिसको हम ओव्यूल कह रहे हैं, वही आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। ये फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट एक सेल है। कौन है? एक सेल है, यही है आपकी फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन तो जनरेटिव सेल और एक सेल का ही होगा, यानी यही फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, बाकी तो हेल्थ के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, अलग अलग एक्टिविटी के लिए। तो आज की वीडियो इतनी तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जैसा आप वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जो जैसा मैंने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की रहेगी, उसका मेगा स्पोरोजेनेसिस की, फिर आएंगे फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, पॉलीस्पर्मी, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन भी होती है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, मोनोकॉट के केस में, डाइकॉट के केस में, ये सभी चीजों को देखेंगे। लगभग सात से आठ लेक्चर में ये चैप्टर आपकी कंप्लीट होगी। तो आज के इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, बाय बाय।